हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये स्पेशल वीडियो पब्लिक डिमांड वीडियो है, जहाँ पे हम रोज़ मतलब डेली रोज़ जो जो आपके जो शेयर्स है, आपने जो पूछा, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे और वो हम डालेंगे। तो आज का वीडियो जो स्पेशल वीडियो है, जिसकी डिमांड की है SBI पे, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले SBI जो इक्विटी के लिए है वो देख लेते हैं, हम दोनों देखेंगे गाइस, F&O एंड इक्विटी। तो सबसे पहले इक्विटी, ओके, यहाँ पे जैसे चार्ट देख रहे हैं, यहाँ से शुरू हुआ है तेजी का, यहाँ तक रेट था, ये वन वे जा रहा है गाइस, वन वे। और ये देख रहे हो, ये जूम कर देता हूँ मैं आपको दिखे, ये देख रहे हो, ये कौन, ये हिस्सा, ये वाला, ये वाला। तो इसका मतलब है गाइस कि अभी जो SBI स्टार्ट हुई है ऊपर जाना, तो ये बहुत आगे तक जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसओवर हो गया, रेड लाइन ऊपर चली गई है। तो चार्ट के हिसाब से जो मतलब ये सीधा जाएगा अभी, और डेली चार्ट भी देखे तो यहाँ पे अच्छा खासा जा रहा है डेली अप डाउन, मतलब समझ लो कि कम से कम चार से पाँच पॉइंट्स की मूवमेंट मिल रही है हमको। तो यहाँ पे अभी डेली चार्ट तेजी है, अभी वीकली देख लेते हैं गाइस। ओके ओके, वीकली चार्ट भी तेजी का ही है गाइस, तो ये अच्छा शेयर है, अब बाय कर सकते हो। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह है, यहाँ पे अगर देखे, मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, ओके, यहाँ पे देखे तो अपने जो ये स्टॉक है उसकी जो स्ट्रेंथ है, मतलब उसका जो पावर है दौड़ने का, तो वो भी अच्छा है। अभी 58 पे, मतलब 70 के लिए अप जाने के लिए 70 तक होती है ताकत, तो बहुत ज़्यादा ताकत है, मतलब अभी भी समझ लो, पहले जूम आउट करते, हाँ समझ लो बहुत, तो कम से कम अगर उसका चार्ट देख रहे हैं तो 6 मंथ देख लेते हैं। ओके, तो टॉप गया था 230 तक, 230 तक, और गिर के आया था 177 तक, तो अभी चल रहा है 205, मतलब 205 चल रहा है। तो गाइस कम से कम मेरे हिसाब से 220 के या 230 तो जाएगा ही जाएगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हो तो बहुत अच्छा शेयर है, बाय कर लो। अगर बाय कल के लिए करना है वो भी मैं बता देता हूँ, कल आप 202 के आसपास आए तो बाय कर सकते हो, अच्छा खासा शेयर दिख रहा है। और अभी भी पोटेंशियल मतलब जगह है, बहुत ज़्यादा जगह है ऊपर जाने के लिए, तो आप बाय कर सकते हो। अभी देख लेते हैं FNO के लिए कितना डिफरेंस आ रहा है। ओके, तो वैसे बहुत डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत है। FNO भी वही बोलूँगा, अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हो तो अभी जगह बहुत है, उसके बाद एक शायद छोटा सा करेक्शन आया, यहाँ पे सीधा ऐसे जा रहा है तो छोटा सा करेक्शन आ सकता है, लेकिन अभी जगह है, 220 तक टारगेट हो सकता है, 220 तक जाएगा। तो मैं कहूँगा अगर आप सोच रहे हो बाइंग का तो अच्छा सोच रहे हो, अच्छा स्टॉक है, 202 के आसपास कल मिले तो आप ले सकते हो। और FNO का भी वीकली देख लेते गाइस। ओके, वीकली के स्टॉक के हिसाब से भी अच्छा है, वन वे जा रहा है अप साइड, और डेली अप डाउन दे रहा है गाइस। देखो ये कैंडल्स देख रहे हो, जूम करता हूँ मैं थोड़ा सा, ये कैंडल्स, ये बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं, अच्छा स्टॉक है, और डेली मोमेंट है इसका अभी 3 से 4 पॉइंट का डेली मोमेंट है। तो बाय और सेल के लिए, और अगर आप स्टार्टिंग में हो तो 200 की रेंज में ये बहुत अच्छा सेट है, सो गो फॉर इट, बाय कीजिए। और अगर आपके पास ऐसे कोई भी और शेयर है जिसके बारे में आप चर्चा करना चाहते हैं, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि कैसा चार्ट चल रहा है, तो आप मेरे को कमेंट में बताइए, मैं देखता हूँ कि क्या कर सकते हैं हम। थैंक यू।